गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पी टीचर खेल गुरु पे। आज हम बात करने वाले हैं डिकैथलॉन, हेप्टेथलॉन, पेंटेथलॉन और ट्राइथलॉन के बारे में, यानी इनमें कितने इवेंट होती है, कितनी इनकी टाइमिंग ड्यूरेशन होती है और किस किस इवेंट इनमें शामिल किया जाता है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे। और बाकी की वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ से आप अदर वीडियोस जो हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और स्पोर्ट्स जीके से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिकैथलॉन के बारे में। डिकैथलॉन के गेम 2 दिन तक चलते हैं और इसमें 10 इवेंट को शामिल किया जाता है और इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 ओवर का है और ये केवल पुरुषों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है। इट इज़ एन एथलेटिक इवेंट विच इज इंक्लूड्स 10 न्यू एक्टिविटीज, 1200 पॉइंट्स ऑफ स्कोर, यानी इसमें टोटल 10 एक्टिविटी होती है जिनका टोटल स्कोर 1200 पॉइंट होता है। और डिकैथलॉन में 4 ट्रैक इवेंट होती है और 6 फील्ड इवेंट होती है जो इस तरह से हैं। ट्रैक इवेंट की हम बात करें तो 100 मीटर स्प्रिंट, 110 मीटर हर्डल रेस, 400 मीटर स्प्रिंट रेस और 1500 मीटर की जो मिडल डिस्टेंस रेस है वो होती है। मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा जानकारी में कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की जो रेस है वो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस कहलाती है और 800 मीटर, 1500 मीटर ये मिडिल डिस्टेंस रेसेस कहलाती है। और इसके बाद में जो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, क्रॉस कंट्री, मैराथन है, ये सब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कहलाती है। अब हम बात करते हैं फील्ड इवेंट्स के बारे में, डिकैथलॉन में कौन कौन सी फील्ड इवेंट होती है। तो पहली है लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद, दूसरी है शॉर्ट पुट थ्रो यानी गोला फेंक, तीसरा है हाई जंप यानी ऊंची कूद, चौथा है डिस्कस थ्रो यानी तस्तरी फेंक और पांचवा है पोल वॉल्ट यानी बांस कूद और छठा है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। तो अब हम बात करते हैं डिकैथलॉन में पहले दिन में कौन कौन सी इवेंट आयोजित की जाती है उसके बारे में। तो पहले दिन में 5 इवेंट आयोजित की जाती है जिसमें पहली है 100 मीटर स्प्रिंट यानी 100 मीटर की रेस, 100 मीटर की दौड़, दूसरी है लॉन्ग जंप, तीसरी है शॉर्ट पुट, चौथी है हाई जंप और पांचवी है 400 मीटर रनिंग। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे दिन में जो इवेंट्स होती है उनके बारे में। दूसरे दिन जो 5 इवेंट आयोजित होती है उनमें पहली है 110 मीटर हर्डल, फिर है डिस्कस थ्रो, फिर है पोल वॉल्ट यानी बांस कूद, फिर है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक और लास्ट में है 1500 मीटर। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिलता है कि जो डिकैथलॉन की लास्ट इवेंट है दूसरे दिन की वो कौन सी है, तो ये 1500 मीटर है। इसके बाद में हम बात करते हैं हेप्टेथलॉन के बारे में। हेप्टेथलॉन में टोटल 7 इवेंट होती है और ये केवल महिलाओं के लिए आयोजित किया जाने वाली प्रतियोगिता है। इसकी टाइमिंग भी 2 दिन की होती है जिसमें टोटल 10 ओवर्स के अंदर ये आयोजित करवाई जाती है 10 घंटे के अंदर। ये केवल महिलाओं के लिए है और इसमें सात एक्टिविटीज़ होती है, उनको स्कोर जो है वो 1000 पॉइंट होता है, 1000, जिसमें 7 में से 3 ट्रैक इवेंट होती है और 4 फील्ड इवेंट होती है। ट्रैक इवेंट की हम बात करें तो 100 मीटर हर्डल, 200 मीटर रेसेज और 800 मीटर रेस होती है और फील्ड इवेंट की बात करें तो हाई जंप, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप और जेवलिन थ्रो होता है। पहले दिन में आयोजित की जाने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं, जो इवेंट्स हैं हेप्टेथलॉन में, उनमें है 110 मीटर हर्डल रेस, हाई जंप, शॉर्ट पुट थ्रो और 200 मीटर रेस। और दूसरे दिन की प्रतियोगिता है लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, 800 मीटर रेस। फिर हम बात करते हैं पेंटेथलॉन के बारे में जिसमें 1 दिन का टाइम ड्यूरेशन होता है और ये मेन और वुमेन दोनों के लिए होता है। इसमें टोटल 5 इवेंट आयोजित की जाती है। इसमें पहली है शूटिंग, दूसरी है स्विमिंग, तीसरी है फेंसिंग, शूटिंग यानी निशानेबाजी, स्विमिंग यानी तैराकी
फेंसिंग यानी तलवारबाजी, एक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी और क्रॉस कंट्री रनिंग। अब हम बात करते हैं ट्रायथलॉन के बारे में, जिसमें ये भी मैन और वुमेन दोनों के लिए ही हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन भी एक दिन का होता है। इसमें पहली है 1500 मीटर स्विमिंग, दूसरी है 40 किलोमीटर साइकिलिंग, तीसरी है 10 किलोमीटर रनिंग। तो ये थी आज की हमारी डिकैथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन और ट्रायथलॉन के बारे में छोटी सी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।